तो कैसे हो मेरे बकचोद भाई और बहनों, और आज हम फिर जा रहे हैं रेस्क्यू करने उस गाय का जिसका पूंछ कटी हुई थी। तो साथ में हमारे एक बार फिर कपिल ज्योति ब्लॉग्स, और हम जा रहे हैं, देखते हैं कैसा होगा। अगर उसकी हालत सही होगी तो उसे हम और दवाई दे देंगे, और हालत ख़राब होगी तो उसको हम रेस्क्यू करेंगे। और आपका जैसे मुझे प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ बैन के लोड हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, उनका कोई इलाज नहीं है गाइस। पर जो आप लोग प्यार दे रहे हो, डेली के दो दो तीन तीन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मैं खुश हूँ गाइस। तो मिलते हैं आपको वीडियो में। चुके हैं हम दोस्तों, देखते हैं होंगे यहाँ जो बैल गाय, तो आज तो यहाँ पर है ही नहीं, कहाँ गए? अंकल से पूछना पड़ेगा। अंकल यहाँ वो बैल बोल थे, वो रहा वहाँ पर, वो रहा जिसकी पूंछ कटी हुई है। हाँ कहाँ, यही है कहाँ है? ये रहा, सुधार है भाई, ये देखो दोस्तों। हाँ बहुत काफ़ी सुधार है, ये देखिए आज काफ़ी सुधार दिख रहा है पूंछ पे। कैसा है मेरे भाई, कैसे हो बड़े भाई? सही, आज खुशी हो रही है हमें देख के। चल हम इक्की हो सामान निकाल लें। चलो ये हम बंद बुंद लाए हैं, ये आपका मटेरियल है। बहुत रुक जा भाई, हट तेरे को दे रहे हम धीरे धीरे, इधर पकड़। गाइस काफ़ी सुधार आ चुका है पूंछ में, घाव भर चुका है पूरा जो हमने इंजेक्शन लगाया था इसके। आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, ले 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 आ आ आ आ ले ले, दवाई तो डल रहा है। तुझे भी खाना है, ले खा, तू भी खा ले। दवाई अपनी छिड़की नहीं, नहीं तो बंद कर देगा। चल ये उस दिन था नहीं पहले ना, नाड़ी है बहुत ही अलग है, छिड़को आप जाके। स्किल मत दिख रही मत, चुप आया, थोड़ा छिड़काव कर लेंगे। तो भाई आपको कैसा लग रहा है कि इसको? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो घाव था ना पहले, उसने उस दिन देखा कितना लाल, मतलब खूनी, कीड़े भी बहुत आ गए थे उसमें, और आज कम से कम नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका है, घाव पूरा भर चुका है। अब ये है कि कीड़े भी नहीं लग रहे थे इतना, बस खुशी हो रही है। और तेरे को कैसा लग रहा, तू बता तेरे को कैसा लग रहा? बस मैं तो खुश हूँ, खुश है ना कि इसका घाव भर चुका है। और बस ऐसे कुछ मादर जो लोग हैं जो ऐसा करते हैं, खाना तो दे नहीं सकते पर नुकसान भी करते हैं गायों का। बिल्कुल बिल्कुल, बेचारे की पूंछ काट दी, कीड़े लग रखे थे उसमें जी। तो चलो अच्छा, हमारे लिए तो बहुत सफलता का काम है कि हमने ऐसा किया। तो आपको भी दिखता है गाइस, तो आप लोग भी ऐसा मदद कर लिया करो, हो सके आप लोगों से। देखो मिलेगा तो कुछ नहीं, और जो मन की संतुष्टि मिलती है ना वो आपको खुद अच्छा लगेगा, आप खुद कुछ काम करोगे। पूरा घाव गाइस भर चुका है अच्छे तरीके से, पास तो आने नहीं दे रहा है पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, पूरा बढ़िया तरीके से घाव भर चुका है। गाइस हम अभी दूसरे मरीज को लेके आ चुके हैं, इसको टाइफाइड, जो अभी टाइफाइड से बीमारी से जूझ रहा है। और अपना ध्यान रखो गाइस,
बाकी आपको क्या बोले हम, बाकी आपको समझदार तो 90 हो गई नहीं तो बकरी का दूध छोड़ जाना, तो नहीं पी जाता बकरी का दूध पिया करो भाई, छोड़ जाओगे बीच में। तूने कितने सच सच बताओ कितने दिन पिया है? बहन का लोड़ा ये चूतिया है क्या? दो दिन कब से बोल रही है भाई? तो डेंगू नहीं है तो प्लेटर डाउन हो रही है, प्लेटर डाउन हो रही है ना। चूतिया क्या बोला था, बकरी का दूध पियो, डेंगू नहीं है तो प्लेटर डाउन से ही तो होता है ये सब कुछ। सही बात है भाई, चूतिया समझा के भी नहीं भाई दूध पीता। चलो कोई नहीं, आगे वैसे ध्यान रखेंगे। अब मान गया ना, अच्छा टाइफाइड हो गया। कोई छोटा भाई था मछली, माफ़ कर दो भाई। मैंने तो क्या माफ़ करना, लेकिन